जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एलसेट का पार्ट वन किया था, जिसमें हमने एलसेट की प्रोग्रेशन के लिए स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग दोनों किया था, जिससे हमारे बॉडी में जो एलसेट की प्रोग्रेशन है वो और भी स्पीड होगी। तो अगर आपने पार्ट वन एलसेट का नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम पार्ट टू में। जैसा कि हमने पार्ट वन में बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप किया था एलसेट के लिए, तो अब हम इस पार्ट में करेंगे एलसेट के प्रोग्रेशन पे पूरी वर्क करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, हम ऐसे न्यू स्किल्स और न्यू टेक्निकल वीडियो लाते रहते हैं, जिसमें आपकी कैलिस्थेनिया एंड जिमनास्टिक के हर मूवमेंट कवर होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और भी जो पिछला वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको और भी डिफरेंट और बहुत ही टेक्निकल वीडियो और मिलेंगे आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर वन। एक्सरसाइज नंबर वन है टक होल्ड। तो आपको बार में चढ़ के ऐसे टक होल्ड करना है, और आप देख सकते हैं मेरा नी मेरे वेस्ट के लेवल पे है। अगर आपसे ये नहीं होता तो आपसे आपका लेग जितना उठ सकता है उतना उठाना है और उस पोजीशन पे होल्ड करना है। एक्सरसाइज नंबर टू, टक रेजेस। इसमें आपको अपने दोनों लेग को टक पोजीशन में ऊपर उठाने हैं, और आपको कोशिश करना है कि आपके वेस्ट लाइन से आपका नी ऊपर जाए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आपको कोशिश करना है कि बार से ऊपर हो, और आपको जितना हो सकता है उतना उठाना है, धीरे धीरे अपने आप ही इम्प्रूव होगा। एक्सरसाइज नंबर थ्री, टक टू स्ट्रेट होल्ड। इसमें आपको अपने दोनों लेग को टक पोजिशन में उठा के धीरे धीरे लेग स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है, और जितना होल्ड हो सकता है वहाँ पर होल्ड करना है। इसमें आपको डायरेक्टली एकदम स्पीड से लेग स्ट्रेट नहीं करने, बिल्कुल स्लो करने, जितना आप कर सकते हो उतना करना है और वहाँ पे होल्ड करना है। एक्सरसाइज नंबर फोर, वन लेग रेजेस। इसमें आपको अपने लेग को स्ट्रेट रखते हुए बिल्कुल सिंगल लेग रेसेस करने हैं, आप जैसे देख सकते हैं वीडियो में, और बिल्कुल भी स्विंग नहीं होना चाहिए, आपको ऊपर धीरे से उठाने और वहाँ पे हल्का सा होल्ड करके फिर नीचे लाने हैं। एक्सरसाइज नंबर फाइव, वन लेग होल्ड। इसमें आपको अपने एक लेग को ऊपर उठाने और होल्ड करना है, और आपका टारगेट होगा कि आपको बार से ऊपर उठाने। अगर आपको बार से ऊपर नहीं हो पाता तो आपको जितना उठता है उतना उठा के होल्ड करना है। एक्सरसाइज नंबर सिक्स, बोथ लेग होल्ड। इसमें आपको अपने दोनों लेग को ज्वाइन करके ऊपर उठाने, और आपको कोशिश करना है जितना उठ सकता है उतना उठाना और वहाँ पर होल्ड करना है, और आपके लेग बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। एल स्ट्रेट विथ पार्टनर। इसमें आपको अपने दोनों लेग को जितना आप ऊपर उठा सकते हो उतना ऊपर उठाना है, फिर आपका पार्टनर हाथ लगा के आपके लेग्स को बार के ऊपर ले जाएगा, और आपको वहाँ पे होल्ड करना है, और आपको ये मैक्सिमम होल्ड करना है, और आपको हर एक रेपिटेशन के बीच में 30 सेकेंड टू 1 मिनट का रेस्ट लेना है, ताकि आप नेक्स्ट सेट में और मैक्सिमम होल्ड कर पाएँ। और कुछ को इसमें ये दिक्कत हो सकती है कि उनके पास पार्टनर नहीं है, तो आप ऐसा सेल्फ होल्ड कर सकते हो और धीरे धीरे अपने दोनों लेग को ऊपर की तरफ रेस कर सकते हो, लेकिन पार्टनर के साथ करना बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने पार्टनर से ऐसा हेल्प लेना है जिसमें आपका पार्टनर आपको पूरा हेल्प करेगा एल सेट करने में, और फिर धीरे से हाथ हटाएगा और फिर वापस आपको एल सेट करने में हेल्प करेगा, तो इससे आपकी भी जान लगेगी और पार्टनर की हेल्प भी मिलेगी। तो ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपके एलसेट के प्रोग्रेशन में। फाइनल स्टेप, एलसेट। तो मैंने जितने भी एक्सरसाइजेस एंड स्टेप बताए हैं, अगर आप ऐसे बिल्कुल सेम रेपिटेशंस एंड सेट के साथ करते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे एलसेट अचीव कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस होगी आपकी।
था पूरा कंप्लीट एल सेट का प्रोग्रेशन। अगर आप इस एक्सरसाइजेस को, जितने भी एक्सरसाइजेस को अगर आप कंप्लीट करते हैं, प्रॉपर करते हैं, तो आपको गारंटी रिजल्ट मिलेगा और 100% है, ये मेरा गारंटी है। तो आप ये सारे एक्सरसाइजेस को प्रॉपर, जैसे मैंने रेपिटेशन दिए हैं, सेट्स दिए हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें मैं प्रॉपर रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल होगा, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उनसे, ताकि उनको भी ऐसा रिजल्ट मिल सके। तो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, स्टे फोकस्ड।